कल ये कल नहीं आया था कल भी कल आया था तो कल ये मुझे नहीं मिला आज मिल गया आज मिला ना कल देखा तो नहीं हाँ तो हलवाई करने क्यों नहीं आया किया था नमस्ते नमस्ते किया था यार गलत बात है साला हम ज़्यादा बिजी हो रहे हैं इसका मतलब चलो तो क्या लग रहा है तुम कैसा प्रोग्राम में महसूस कर रहा है कैसा है और अच्छा पहले सबसे पहले होता है पापा का लेक्चर देखा था तुमने हाँ देखा था कैसा लगा अच्छा लगा मेरे को तो अच्छा नहीं लगा ये कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं बोला तेरे को अच्छा लगा तेरे पापा हैं इसलिए अच्छा लगा इसके पापा हैं इसलिए अच्छा लगा तो आज है ग्लोबल वर्डिंग वीकेंड का थर्ड डे मीन्स फर्स्ट डे पर ओपनिंग सेरेमनी हुई सेकेंड डे पर लेक्चर्स वगैरह हुए थर्ड डे पर भी आज लेक्चर्स हैं अलग अलग लोगों के तो आज उनको अटेंड करते हैं तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ अंसार भाई और श्याम जी का उनके गाड़ी में आज जाएंगे वो मुझे पिकअप करेंगे क्योंकि एक्चुअली कल परेशान हो गए बाइक से गए थे सामान ज़्यादा था वास्तव में बहुत अच्छी बात है कि पिछली साल से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और पिछली साल से काफ़ी बेहतर किया है कि पिछली बार हमारा जैसे विष्णु भाई साहब ने भी कहा था पिछली से पिछली वीडियो में देखा था कि वो कह रहे थे कि अब वो हमने सीखा था हमें पता नहीं था कैसे करना लेकिन अब उनको मालूम है कि हमें कैसे करना है तो बहुत ही अच्छा प्रयास जारी है और वीडियो देखते रहना बने रहना बहुत ही शानदार इवेंट होने वाला है तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज ग्लोबल बर्डिंग का तीसरा दिन है धर्मेंद्र भाई साहब को बता रहे थे तो अभी तक हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन स्पेशली फॉर भरतपुर से आए हैं उसमें लगभग 70 से 72 लोगों ने रजिस्टर्ड कर दिया है जिसमें कि अपने पार्क के नेचुरलिस्ट हैं अपने पार्क के रिक्शे वाले हैं स्टूडेंट्स हैं और प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स हैं और उसके अलावा अभी तक आज की डेट तक मेरे पास सुबह फ़ोन आए कि सर हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं क्या सो मैं देख रहा हूँ कि उनको किस तरह से करें 17 टीम हमारी बन चुकी हैं एक टीम में 5 लोग हैं जो कि अलग अलग जाके बर्डिंग करेंगे और कल सुबह से 5:30 बजे से सब लोग अपने अपने एरिया के लिए निकल जाएंगे और बर्डिंग करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों का उत्साह बना हुआ है और अपनी बार पिछली बार से ज़्यादा लोग लगना चाह रहे हैं इससे और हमारे पास काफ़ी फ़ोन्स आ रहे हैं मीडिया से भी फ़ोन आ रहे हैं लोग इंटरेस्टेड हैं कि क्या होने वाला है क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल का प्रोग्राम है और भरतपुर में भी आयोजित हो रहा है हमारे श्याम भाई साहब हैं जिनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली क्या आज ड्राइवर बना दिए हैं हमने Morning, sir. Goodness, the person who's gonna give the talk is here. We have recorded in 2 years. The total species 184. This is the old version. Two months ago. This time we have recorded 184 species. Actually, this is the this place is the between Kevlar Dev National Park and Titham. Lekin Gopi Sundar has been working. I don't know if you know Gopi Sundar. We are also working in this time we have project band karwaya tha. My bank ka, Gopi Sundar sir. I am only missing Guruji. Gopi Sundar is now based in Udaipur. And he looks after us. He works for the International Brain Foundation. So, Digvijay, now you are accountable. I would request Mr. Raj Singh to please step in front, and I would request Dr. K.P. Singh to please join us in front. Give a big big hand. एक गहरी सांस ले और इनके लिए बात दोबारा से जोरदार तालियां बजाएं. And all the very best. Thank you. The wildlife ethics, conservation ethics, and such a great supporter for Ansar. Thank you so much. Thank you, sir. And thank you, everyone. मैम ने मुझे देखा है हम जो नेचुरल्स बने थे सो उसमें मैडम का सबसे बड़ा हाथ है तो जो ट्रेनिंग हमको इन्हें दी थी उसी ट्रेनिंग से हम अभी तक आगे तक जा रहे हैं वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन के लिए भी कर रहे हैं उस स्लाइड्स भी दिखाऊंगा जैसे वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी में काफी सारे चैलेंजेस होते हैं कि आप फोटोग्राफी के लिए जाते हैं और आपकी किस तरह की ड्रेस होनी चाहिए और किस तरह से आपको एक जगह बैठ के फोटोग्राफी करना चाहिए शुरू हुआ साथ साथ शुरू हुआ ये फिर बाद में कहीं में प्रेजेंटेशन देता था फोटोग्राफी ये देख तो ये देखते थे तो इन्होंने एक बार तो भाई सुनो कैमरा दिलाओ पापा से तो उन्होंने मेरे को कहा कैमरा दो मैंने कैमरा तो बहुत ये रासिंग लाया मेरे लिए एक बहुत महंगा कैमरा मैंने कहा तो महंगा कैमरा खराब हो जाएगा अरे खराब हो जाएगा ये कोई बच्चों से क्या थोड़ी वो गुस्सा हो गई देना पड़ा
उसके बाद में मैंने इनका रिव्यू देखा ना, तो मैंने कहा मैं क्या करूं, तो उसका नतीजा ये है तो अच्छा ही हुआ जो मैंने छोड़ दी फोटोग्राफी और ये कर लिया। I've met many wildlife conservationists in the forest staff, but I have never met a person like Guruji. He's such a good human being, and I must say, I used to work with WWF. I'm no not more with WWF, but you know, WWF existence in the park belongs to him and actually him. Right. So Guruji. Thank you once again, Antar, and I would request all of you to please give him a big hand. For the next session, I will request Dr. Abhishek Bhatnagar, Dr. Amit Dubey, and Mr. Himesh Kumar from WWF. One of the first few wetlands to be declared as a Ramsar site, it's a UNESCO World Heritage Site. And all of us are deliberating towards, you know, formulating policies, procedures, strategies for the conservation. क्योंकि की बटरफ्लाई के अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग पौधा है, तो यहाँ पे ग्रासेस भी हैं, यहाँ पे हर्ब्स भी हैं, यहाँ श्रब्स भी हैं, यहाँ पे ट्रीज भी हैं, तो ट्रीज के भी मतलब ऑलमोस्ट सारे स्पीसीज हैं यहाँ पे पौधे के, तो जितने ज्यादा पौधे होंगे उतनी ज्यादा तितलियों की प्रजातियाँ यहाँ मिलेगी। तो देख रहे कितना ब्यूटीफुल है, वेरी वेरी टाइनी, और देख रहे रेड और उसमें व्हाइट कलर के लेके कपकेक जैसा दिख रहा है। तो कुछ भी बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल एकदम प्योर है, और यही रीज़न है कि यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बटरफ्लाई की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे विशेष ध्यान रखा जाता है इस बात का, क्योंकि यहाँ पे ये चाहते हैं, ये कंजर्वेशन है ये बहुत बड़ा, कि अगर आप चाहते हैं कि वाइल्ड को कंजर्व करना है तो ये आपको सबसे पहली जो पहल है वो यही है कि केमिकल को आपको अवॉइड करना है, ऑर्गेनिक होना चाहिए। आज के डे का फर्स्ट हाफ हो चुका है ख़त्म, सेकेंड हाफ होगा आफ्टर लंच स्टार्ट, तो अभी हम लंच करने जा रहे हैं। और अभी शुरू में हमारे अंसार भाई ने भी आज हल्का सा बताया कैमरेज के बारे में, अपर्चर और फोकल लेंथ वगैरह, ये सब काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन था उनका। और इसके बाद BHNS ने भी कुछ थोड़ा बहुत अपना प्रेजेंटेशन रखा, जाइस वगैरह और निकॉन वालों का पहले ही हो चुका था तो आज उनका नहीं था। बाकी बच्चों ने भी आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इसमें और काफ़ी अच्छा, और बटरफ्लाई वगैरह के बारे में सीखा, इस पार्क का भी विज़िट किया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। और ये अच्छी बात है कि उनका नेचर से थोड़ा सा अटैचमेंट बढ़ रहा है और काफ़ी सीखने को उनको मिल रहा है और काफ़ी खुश हैं बच्चे। तो चलिए अब एक लंच कर लेते हैं छोटा सा, फिर उसके बाद दोबारा लेक्चर पर फिर मिलते हैं आप। ये हमारे अंसार के सुपुत्र जी हैं और ये आज आया है, कल नहीं आया था, कल नहीं आया था, कल भी आया था, तो कल ये मुझे नहीं मिला, आज मिल गया। तो हलवाई करने क्यों नहीं आया? किया हम ज्यादा बिजी हो रहे हैं इसका मतलब। चलो तो क्या लग रहा है, कैसा प्रोग्राम में महसूस कर रहा है, कैसा है? और अच्छा, पहले सबसे पहले होता है पापा का लेक्चर देखा था तेने? हाँ देखा था। कैसा लगा? अच्छा लगा। मेरे को तो अच्छा नहीं लगा, ये कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं बोला है? तेरे को अच्छा लगा? तेरे पापा है इसलिए अच्छा लगा, इसके पापा है इसलिए अच्छा लगा। आज क्या देखा? पापा ने फोटोग्राफी के बारे में बताया था। पापा ने फोटो तो मतलब ध्यान दे रहा है तो बढ़िया। सब कौन सी क्लास में है? फिफ्थ में। कौन से स्कूल में? सेंट पीटर्स। सेंट पीटर्स स्कूल, तो स्कूल तो बंद है, पढ़ाई ऑनलाइन हो रहा है। ओपन हो गए, स्कूल जा रहा है? नहीं ऑनलाइन है। ऑनलाइन पढ़ रहा है? हाँ, स्कूल में भेज सकते हैं लेकिन मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। अच्छा, अभी स्कूल नहीं जा रहा? नहीं, स्कूल जा सकते हैं लेकिन अभी मैं जा नहीं रहा हूँ, ऑनलाइन ही हूँ। ऑप्शन है, स्कूल जा भी सकते हैं, ऑफलाइन भी, ऑनलाइन दोनों है। अच्छा, तो जा क्यों नहीं रहा, रीज़न? कोविड के बारे, कोविड तो चला गया, देख पापा ने मास्क नहीं लगा रखा, खाना खाते हुए मास्क नहीं, दिन भर नहीं लगाता ये मैं बता रहा हूँ तेरे को, तो तू अब इससे दूर रहा कर। तुम क्या बढ़ा रहे हो? नहीं मजाक कर रहा हूँ, छोटा बहुत क्यूट सा है, मैंने इसको देखा था। और मिलते हैं, खाना वाना खा लिया? हा? कुछ और खाना है? नहीं। आइसक्रीम खा ली? नहीं। लेके आऊँ? नहीं। क्यों? सूप नहीं? और नहीं, सिर्फ खाना ही खाना। खाने में क्या खाया तुमने? मैंने पनीर। तो ये फिनिश क्यों नहीं किया? पनीर ज़्यादा था। ज़्यादा था, दबा वालों से कहने पड़ेगा पनीर कम डाला करो सब्जी में। चलिए तो अब एक बार खान साहब से मिली लिए हम, और ये हमारे श्याम जी लग रहे हैं सूप पीने। हाँ, आप मेरे को बिना, आप गए थे कहीं और थे जैसे कि सूप पे कैसे आए? नहीं, हम थोड़ा सा बस सूप का एक आनंद ले रहे हैं। ले रहे ये हमारे भाई साहब DD शर्मा जी। शर्मा जी, दो दिन के वातावरण से आपको कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग महसूस कर रहे हो आप? आप ये मानिए
कि इतना शानदार प्रोग्राम रहा है, इतना शानदार प्रोग्राम रहा है ये, इसमें मतलब यू कैन सी एवरीथिंग। आप तो वाइल्ड लाइफ के बारे में बात कर सकते हैं, कैमरा के बारे में बात कर सकते हैं, फोटोग्राफी की बात कर सकते हैं, बायोनेचर की बात कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात कर सकते हैं, यू कैन टॉक ऑन एवरी मैटर। और इतने एक्सपर्ट्स लोगों के जो व्यूज मिल रहे हैं यहाँ पे, वेरी गुड, इट्स फैंटास्टिक प्रोग्राम। सबसे बढ़िया बात है की बार स्टूडेंट्स भी जुड़ रहे हैं, नई जनरेशन जुड़ रही है। सबसे बढ़िया बात ये है कि आप भी नई जनरेशन आ रही है, और ये मैं कह रहा हूँ इट्स ए फैंटास्टिक प्रोग्राम। और ये ऑर्गेनाइजर है, मैं आई वुड पे लॉट ऑफ थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर राज भाई साहब के लिए, और जो और भी संस्था जुड़ रही है सारी उनके लिए, कि एक ही मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर, काफ़ी साल बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम एक प्लेटफॉर्म पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं, और उसके बाद इतने काफ़ी एक्सपर्ट और एक्सपीरियंसड लोग बनाए हुए, ये इसके लिए लॉट ऑफ सही। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे डीडी शर्मा जी, और बहुत ही शानदार प्रोग्राम हो रहा है, काफ़ी लोग अब की बार इससे जुड़ रहे हैं। तो चलिए अब खाना वाना खा लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं दोबारा कॉन्फ्रेंस हॉल में। Most of them are might aware about the bird watching tactics and all, but still we have to make our faces. Thank you so much. Any questions that anyone has? 3 days for all of us here. Let's give him a big hand, everyone. I'd like to thank you. आप लोग आए और दो तीन दिन से जो है patiently हमारे यहाँ पे गुजारे, and like water mitras and water bodies and roots and relations, because I've been living in overseas for the last 40 years of my life, so I'm not aware. So this is a good opportunity for not only me to learn, but I hope everyone learned about it. और सबने एक सबने बहुत अच्छा effort किया है, and it's ये जो भी है इसको हम आगे बढ़ाएंगे. So thank you so much, Mamri, for being here for 3 days, because it's so much fun. Thank you for everyone for being here. और कल सुबह फिर बर्ड वॉचिंग करते ताकि दो तीन दिन के लिए, देन यू नो द हेल्थ प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन बीइंग हियर। थैंक यू। तो आज का दिन हो गया समाप्त और लेक्चर पूरे हो गए कंप्लीट, और आज हमें एक बहुत पुराने मित्र मिले हैं हमारे, हमारे बबलू भाई, जो मेरे संग पढ़े 8th class तक कला मंदिर में। और जब मेरे को खूब याद है, ये बर्ड सेंचुरी जो अपना केवलादेवी नेशनल पार्क है वहीं रहते थे, क्योंकि ये अंसार के भाई हैं, और ये आते थे तो हम बड़े खुश होते थे कि अरे यार ये घने में रहते हैं। मुझे खूब याद है, हम खूब सोचते थे उस समय यार घने जाएंगे, उस समय घना जाने का बड़ा क्रेज़ था, पार्क की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन नहीं जा पाते थे, छोटे छोटे थे, घर वाले नहीं जाने देते। आज घर वालों ने हम फ्री कर रखे तो हम मस्ती मार रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इनसे मिलकर मुझे बड़ा खुशी होता हूँ मैं कि हाँ वो दिन याद आ जाते हैं। तो आज का दिन हो गया तो ख़त्म, अब कल से स्टार्ट होगा फील्ड वर्क। एक्चुअली जो जिस चीज़ के लिए सारा हो रहा है ना, लिखाई पढ़ाई जितनी हो रही है, जितनी मीटिंग्स हो रही हैं, लेक्चर हो रहे हैं, तो कल से फील्ड वर्क होगा, और कल जो पेपर वर्क है वो ग्राउंड पर दिखेगा। तो आई होप कि बहुत अच्छा जाएगा। 2 दिन बर्ड वॉचिंग करनी है, स्पीशीज ढूंढ ढूंढ के निकालनी है पेड़ पौधों में घुस घुस के, तो अच्छा होगा। आई होप सबने यही आशा की है और इसी पर सब मेहनत कर रहे हैं, तो देखते हैं सब भला हो जाए। डबल मेहनत भाई साहब के लिए, मेरे लिए डबल हो रही है, वास्तव में डबल हो रही है। अब रात को बैठूंगा, वीडियो एडिट करूंगा, तो चलिए बने रहिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी शायद, देखेंगे, तो पसंद ज़रूर आएगी, और आगे जो आने वाली वीडियो वो और भी ज़्यादा अच्छी होंगी, क्योंकि वो फील्ड वर्क में काम करने में बड़ा मज़ा आता है। अब हॉल में बैठ के आप कितना वीडियो बनाओगे, नेचर में जो वीडियो बनती है ना उसका मुकाबला नहीं है, एक्चुअल में बात ये है। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक बटन दबा देना, और एक बेल आइकन आ रहा है उसको ज़रूर दबा देना, जिससे आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।